अब दोस्तों बात यह आती है कि आप जब पॉक्सो का केस किससे लड़वाते हो या कोई भी वकील साहब जब पॉक्सो का केस लड़ते हैं तो आपको भी थोड़ी सी अपनी स्टडी कर लेनी चाहिए। इतना बड़ा कोई पॉक्सो एक्ट है नहीं दोस्तों। जब भी कभी ट्रायल चलाया जाएगा, अपराध सिद्ध हो गया तो वो गिल्टी माना जाएगा, मतलब दोषी माना जाएगा, पर पॉक्सो में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ गलती आप क्या कर देते हो कि अपने दोस्तों, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या 5 गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपकी किसी भी जानकार सगे संबंधी पर अगर पॉक्सो केस लग गया है तो ये 5 गलतियां आप बिल्कुल मत करना। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 5 चीजों किस किस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अभी मैं गलतियां बताऊंगा जो गलतियां अक्सर आप करते हो अपने केसेस में, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस पर्सनली बोलता है पॉक्सो केसेस को लड़ने का, पॉक्सो एक्ट क्या कहता है और पॉक्सो के सेक्शंस क्या कहते हैं, उन पर जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कैसे आप उन केसेस से निकलोगे और कैसे उन केस को अच्छे से लड़ पाए तो कन्विक्शन नहीं होगा। वरना कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई है पॉक्सो में। पॉक्सो कोई भी अगर आपके ऊपर सेक्शन में अगर एफ आई आर दर्ज हो गई तो जेल तो पक्की है दोस्तों। और कितने टाइम तक आप जेल में रहोगे, सालों साल जेल में रहना पड़ सकता है और साथ में कन्विक्शन भी हो सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो ये एक्ट है 2012 का, 2012 में ये एक्ट आया, 19 में अमेंडमेंट आया, 19 के बाद और ज्यादा सख्त बना दिया गया इस कानून को दोस्तों। तो इस चीज में मैंने अक्सर देखा है कि लोग क्या करते हैं कि बेल के पीछे लगे होते हैं कि हमें बेल चाहिए, जल्द से जल्द बाहर निकलना है। दोस्तों पेन किलर की तरह काम करेगी एक ये बेल, खास करके पॉक्सो केस में ऐसे आपके लिए, क्योंकि आपकी बेल हो जाएगी, बाद में आप जेल चले जाओगे, बाद में कन्विक्शन हो जाएगा और आपको सजा मिल जाएगी। तो आपने अगर अपने ट्रायल को ढंग से नहीं चलाया फंसोगे, प्रॉब्लम होगी, लंबे वक्त तक सजा काटनी होगी। तो क्या क्या प्रिकॉशंस आप लेंगे ताकि सजा से आप बच जाएं, ज्यादा कुछ जानने के लिए पॉक्सो केस के बारे में क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है, सावधानियां रखनी है, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों पॉक्सो एक्ट लाया गया कि छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, मतलब जो भी कोई 18 साल से कम है वो सभी लोग माइनर कैटेगरी में आ जाते हैं। पर बात क्या है कि यहाँ पर भी कैटेगरीज बांटी गई। कैसे बांटी गई? 0 से 12, 12 से 16 और 16 से 18। अब बात दोस्तों क्या होती है कि अगर किसी भी तरह से बच्चों के साथ में कोई भी अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है, किसी भी तरह से अगर कोई छेड़खानी भी होती है या पेनिट्रेटिव सेक्स का मामला होता है तो ऐसे सभी मामलों को डाला गया पॉक्सो में। अगर किसी भी बच्चे को लेकर कोई कंप्लेंट आती है किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट जो एक्यूज बनने वाला है, फिर चाहे वो लड़का है या लड़की है, जो 18 साल से कम है उसको पॉक्सो में बुक कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए पॉक्सो के तहत FIR कट गई, तो दोस्तों FIR तो कट गई और वकीलों के लिए जानना बहुत जरूरी है और साथ ही नए लॉ स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि पॉक्सो की जब FIR कटती है तो जो विक्टिम है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता। इवन कि जब वहां से हम जब नोटिस करवाते हैं, नोटिस जाते हैं उनके पास, जब बेल लगाते हो हाई कोर्ट में, तो वहां पर इवन उनके मदर फादर का नाम तक मेंशन नहीं कर सकते आप। पर बात क्या होती है दोस्तों, गलतियां आप बहुत सारी करते हैं। सबसे पहली गलती जो मैंने आम तौर पर देखी है, लोग गलतियां करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबसे पहली बात केस की सीरियसनेस को ना समझना और सिर्फ बेल 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 के पीछे भागना, सेशंस कोर्ट में लगाना, हाई कोर्ट में लगाना, चार्जशीट आई बेल नहीं हुई, फिर दोबारा सेशंस कोर्ट में लगाना, फिर हाई कोर्ट में जाना, फिर से आपकी बेल नहीं हुई, वकीलों को चेंज करना और फिर भी आपको ठीक से वकील ना मिल रहा जो पॉक्सो के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हो, जिन्होंने पहले पॉक्सो केस लड़े हैं। अब दोस्तों बात यह आती है कि आप जब पॉक्सो का केस किससे लड़वाते हो या कोई भी वकील साहब जब पॉक्सो का केस लड़ते हैं तो आपको भी थोड़ी सी अपनी स्टडी कर लेनी चाहिए। इतना बड़ा कोई पॉक्सो एक्ट है नहीं दोस्तों। बेल 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 नहीं करना है आपको, ट्रायल पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ट्रायल पर विशेष रूप से आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और फिर आपको सालों साल लग सकते हैं बेल को लेने। दूसरी बात दोस्तों कि इसमें होता क्या है कि आपको, क्योंकि प्रिजम्पशन क्या बोलता है 29 के, आप गिल्टी हो, यही बोलता है पॉक्सो एक्ट कि कोई भी जो एक्यूज आया है वहां पर वो उसे गिल्टी माना जाएगा।
और अपने देश का कानून ऐसा नहीं बोलता। देश का कानून हमारा ये बोलता है किसी पर भी केस अगर हुआ है तो उसे गिल्टी मत मानो, उस वक्त गिल्टी मत, निर्दोष मानो। जब भी कभी ट्रायल चलाया जाएगा, अपराध सिद्ध हो गया तो वो गिल्टी माना जाएगा, मतलब दोषी माना जाएगा। पर पॉक्सो में ऐसा नहीं होता, पॉक्सो की प्रिजम्पशन थोड़ा अलग बोलती है। और अब यहां गलती आप क्या कर देते हो कि अपने फेवर में जो आपको एविडेंसेस लगाने हैं वो एविडेंसेस आप लगाते ही नहीं हो, और एविडेंसेस ना लगाने की वजह से बाद में कन्विक्शन होता है, क्योंकि आप जब क्रॉस होता है तो उसमें सही से तोड़ नहीं पाते हो विक्टिम को, या फिर जो भी कोई सपोर्टिंग, जो भी कोई एविडेंसेस थे आपके अगेंस्ट, वहां पर आप ध्यान ही नहीं देते हो। चलो ये बात भी हुई, दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट, एक बहुत बड़ी जो गलती आप करते हो, जब आपने एफआईआर को पढ़ी तो एफआईआर में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, आप उस पर उसी वक्त कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर देखा जाए तो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करते नहीं हो। या फिर आप ये मान लीजिए कि क्वेश्चनिंग के लिए ऐसा कहां लिखा है कि क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं होता। अगर हो सके, उसके अंदर अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आप क्वेश्चन करा सकते हो, मान लीजिए जिस वक्त की घटना दी गई, मान लो दिल्ली में कोई अपराध हुआ, उस वक्त दिल्ली में आप थे ही नहीं उस महीने में, यह भी पॉइंट हो सकता है। या जिस बच्चे ने कंप्लेंट दी वो बच्चा कंप्लेंट देने गया ही नहीं, उसके फादर गए हैं, और जो बोलना चाहता था वो बच्चा वो बोलना कुछ आ, फादर ने कुछ और लिखवा दिया, वहां भी एक ऑप्शन उठा सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं जब एफआईआर पढ़ी जाती है दोस्तों, तो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जिनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट होते हैं, और वहां पर जाकर आप उसको चैलेंज कर सकते हो। उससे अगली गलती आप क्या करते हो कि आप उसके अंदर जब चार्जेस फ्रेम होते हैं तो चार्जेस सिर्फ और सिर्फ कंसील करा लेते हो, उस पर बहस नहीं करते हैं बहुत सारे वकील साहब, या फिर आप भी नहीं बोलते बहस करने के लिए, क्योंकि आप लगे होते हो बेल के लिए, आप सोचते हो बहस होगी, एक दो डेट और लग जाएंगी तो और समस्या हो जाएगी, अंदर व्यक्ति हमारा एक दो महीना और रह जाएगा। पर आप ये नहीं जानते कि अगर चार्जेस सीधे कंसील हो गए, आपके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, तो बाद में कन्विक्शन हो जाएगा, सजा बुल जाएगी 20 साल की। अगर आपके इस केस में अगर सेक्शन 6 लगा है तो कम से कम 20 साल की सजा वहां पर बुल जाएगी, आप इसका ध्यान बिल्कुल देते नहीं। और भी जो गलती होती है कि जब भी कोई व्यक्ति, और प्रिकॉशन जो लेनी आपको चाहिए, जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी एक्यूज जिस पर पॉक्सो केस लगा, वो जब जेल जाता है, वो कोई व्यक्ति तो जेल जाता है, बेल होती है, वापस आता है, तो आने के बाद वो अपने केस पर ध्यान नहीं देता, वो बस पर डेट वाइज वकील साहब को कर लेता है, जाता है आता है, बस केस को चलने देता है, केस पर ध्यान देता नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आपका केस अगर अच्छे से नहीं चला, जैसा मैंने आपको बताया प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी, आपको गिल्टी माना जाएगा, आपको अपने एविडेंसेस खुद जुटाने होंगे, क्योंकि ऐसे में एविडेंस आपको देने हैं, ना कि एविडेंस देने स्टेट को। यहाँ पर आप प्रूव करोगे कि आपने वो अपराध नहीं किया। आप जेल से अगर बाहर आए हो तो अपने केस पर अच्छे से ध्यान दें, और ध्यान देने के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए और भी कैसे आप इस केस से निकल पाएंगे। मेरी एडवाइस दोस्तों आप सभी को ये है कि पॉक्सो केस को हल्के में तो आप बिल्कुल ना लें, वरना आपके साथ बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। एक और गलतियां जो आप सभी लोग दोस्तों करते हैं, पांचवी गलती मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमन गलती है जो अक्सर देखने को मिलती है। अंदर जब कोई व्यक्ति जाता है, कोई भी अरेस्ट है, वो जेल में गया, तो अंदर जो लोग बैठे हैं वो अधूरा ज्ञान देते हैं आपको, अधूरा ज्ञान देते हैं, उस अधूरे ज्ञान से आप अपने वकील साहब से बहस करते हो, जबकि उसके फैक्ट्स को समझने की कोशिश नहीं करते। या फिर जो जजमेंट्स आते हैं, जजमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट आपके केस से रिलेट नहीं करते हैं, बट आप उसी जजमेंट को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि इसी जजमेंट के आधार पर मैं अपनी एफआईआर क्वेश्चन करा लूंगा, या मैं कन्विक्शन फ्री हो जाऊंगा, या फिर मैं केस को जीत जाऊंगा, या फिर मैं बेल ले लूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता, सभी केस के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। अगर आपका फैक्ट बहुत हद तक मिलता है किसी भी एक ऐसी जजमेंट से, किसी भी एक ऐसे ऑर्डर से, जजमेंट जो आया सुप्रीम कोर्ट या कोई भी गाइडलाइंस आई हैं जो फॉलो करनी चाहिए थी, अगर मिलता है तो उसका बेनिफिट जरूर लें, बट अधूरे ज्ञान से अपने केस को ना तो लड़े और ना अधूरे ज्ञान से अपने केस को लड़वाएं, वरना तो जेल में आपको सालों साल बीत सकते हैं और जल्दी से बेल होगी नहीं। मेरा मानना है कि जो मैं आपको बातें समझा रहा हूँ वो आप तक पहुँची होंगी, आपको समझ आई होगी। पॉक्सो केस को लेकर कोई भी किसी भी तरह की सलाह आप चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, कोई एडवाइस हमसे चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। आपका कोई भी जानकर सगा संबंधी अगर जेल में है तो हो सकता है उसको निकलवाने हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बन सके। और दोस्तों हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करें अभी हमारा चैनल ताकि इसी तरह की और लीगल अवेयरनेस की वीडियोज़ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।